हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं संजय सजवान और आप देख रहे हो सजवान डायरी। तो स्वागत हमारी एक और नई वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बगल में बेल आइकन को जरूर से दबाएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं मार्केट, और लास्ट टाइम हम मार्केट गए थे जब लॉकडाउन लगा था, और आज है 18 तारीख और उसके बाद से हम आज ही जा रहे हैं। और आज हमें कुछ ज़रूरी सामान जैसे खाने पीने की और सब्जी वगैरह दालें वो सब लेनी है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो आपके दिखाते हैं मार्केट का हाल। और यहाँ पे मेरे साथ हैं आगे विपिन और चाचा जी, और हम तीनों जा रहे हैं आज मार्केट सब्जी वगैरह लेने के लिए, जो भी राशन वगैरह है हमारा वो लेने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और हम मार्केट नहीं गए। तो चलो चलते हैं। और ये हो गई हमारी गाड़ी तैयार अच्छे से साफ करके, और अब निकलते हैं मार्केट के लिए। और ये देखिए यहाँ पे हरियाली हो चुकी है, और बारिश की वजह से जो थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी हरियाली हो चुकी है। और ये पहुँच चुके हैं हम मेन रोड पे, यानी कि बाईपास। और ये देखिए आर्मी के ट्रक आ रहे हैं आगे से। और ये शुरू होती है रुद्रप्रयाग की सुरंग, जो कि केदारनाथ रोड हाईवे के लिए है, और ये बहुत पहले बनी हुई है। और हमें जब भी केदारनाथ यात्रा के लिए जानी होती है इस टनल से होकर जाना पड़ता है। और ये देखिए सामने है रुद्रप्रयाग मार्केट, और रोड के हाल देखें किस तरह से यहाँ पे ईंटें हैं लगी रोड पर। और ये देखो गड्ढे, कितने गड्ढे हो रखे, पानी भरा हुआ है सब में, और इसमें एक्सीडेंट के भी चांस होते हैं। और ये पहुंच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग मार्केट, और यहाँ बीच में पड़ता है एक ब्रिज जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर है, और इसके उस साइड भी मार्केट है और इस साइड भी मार्केट है। तो अभी हमें जाना है उस साइड। तो आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए लगभग सारी दुकानें बंद हैं, बस कुछ ही दुकान ओपन है, जैसे सब्जी वगैरह की दुकान ओपन है, बाकी तो सब बंद ही है। और ये देखें ये रहा मेन मार्केट, यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। आगे जाना है, हमें जाना है एटीएम में, तो हम अभी चलते हैं आगे एटीएम के पास। और ये पहुंच गए हम यहाँ पे एटीएम के पास, और यहाँ पे है एसबीआई का और एक कैनरा बैंक का, दो एटीएम है। तो यहाँ पे एसबीआई का एटीएम है बंद और कैनरा वाले में कैश नहीं है, तो आगे चलते हैं दूसरे एटीएम में। और ये है सामने आर्मी बैंड, इसे हम आर्मी बैंड कहते हैं, और यहाँ से ये कैंट एरिया लग जाता है, और इसके जस्ट आगे ही है एटीएम कुछ ही आगे पे। और ये पहुँच चुके हैं हम एटीएम के पास, एचडीएफसी का एटीएम है यहाँ पे, और आई होप यहाँ पे कैश हो, चेक करते हैं। और यहाँ पे तो गार्ड है भी नहीं, चलो हाथ सैनिटाइज कर देते पहले। और इस वाले एटीएम से हम कैश निकाल चुके हैं, और अब हम चलते हैं सामान लेने के लिए मार्केट। Thank you.
इस वाली शॉप से लेते हैं बाकी सामान जो हमारे सामान थे, और यहाँ से मैं अंडे ले आया आगे वाली शॉप से, तो वहाँ से विपिन ने सारे सामान ले लिया होगा। तो ऐसे में क्या है कि टाइम भी बच गया हमारा, और जो मेरा भी सामान था वो ले आया होगा। तो अभी सामान रखते हैं फटक से और फिर चलते हैं अब घर को। और वो भी सामान ले रहा है, तो इनको पहले अच्छे से रख देते हैं ताकि गिरे ना, अगर एक बंडा फूटा तो काम ख़त्म। तो सामान ले चुके हैं हम और अब चलते हैं सीधे घर को। लेकिन घर जाने से पहले हमें जाना है एक बारी पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे है कुछ ज़रूरी काम, तो उसे निपटाना ही होगा। तो यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट को, यहाँ पे देखिए पतली सी रोड नहीं रास्ता ही है वैसे, लेकिन यहाँ से बाइक स्कूटर वगैरह जाते हैं, टू व्हीलर जाते हैं यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बना रखी। और इससे आगे गाड़ी तो नहीं जाएगी, यहाँ पे लगा देते गाड़ी। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें रुद्रप्रयाग का संगम, ये दोनों संगम है, और ये वाली वो वाली है, और वो वाली है अलकनंदा, और ये वाली हम मंदाकिनी, तो ये संगम है। और काम हो चुका है हमारा वहाँ से, और ये देखें संगम किस तरह से दिखता है यहाँ से। तो अभी हम चलते हैं, हमारा फाइनल काम हो चुका है, बस एक काम बाकी है। और 10 बज चुके हैं, 10 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाएगा पूर्ण तरीके से, यानी कि जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो अभी हमें फटक से जाना है। ये देखिए यहाँ पे चाचा जी हमारा वेट करते हुए। और अब यहाँ से रखते हैं अपनी सब्जी फटाफट से, और उसके बाद हम जाएंगे सीधे घर। ये देखिए सारी सब्जियां हैं वो ऐसे। तो रखते हैं सब्जी और निकलते हैं फिर घर को। तो सब्जी वगैरह तो ले ली, और अब सीधे जाएंगे हम घर। तो मार्केट से हम आ चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी लगा ली हमने, और जो सामान था ज़रूरी सामान वो सब हम ला चुके हैं। और मौसम जो है आज थोड़ा साथ देता हुआ, अभी बादल लगे, अच्छा हुआ धूप नहीं है, अगर धूप होती तो और भी आफत आने वाली थी। तो साथ में आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक करें, कॉमेंट करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में बेल आइकन को जरूर से दबाइए ताकि हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।